हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल AB12 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कश्मीरी स्टाइल कबाब कांति। तो ये है फ्रेंड्स, जो हैं ये कबाब मैंने मार्केट से लाए हुए हैं। ये कबाब हैं फ्रेंड्स, ये कबाब मैंने लाए हैं मार्केट से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये कबाब जो हैं, ये हमने लिए हैं आफरीदी रेस्टोरेंट से। ये कबाब लाए हैं आफरीदी रेस्टोरेंट, कालेबन में है, बहुत ही मशहूर कबाब हैं उनके। तो फ्रेंड्स, आज हम इनकी कबाब कांति बनाएंगे। जो है शबे बरात है आज, तो शबे बरात के दिन हम इंशाल्लाह इबादत भी अच्छे से करेंगे, और ये रात को इबादत के दौरान फिर भूख भी लगती है, तो उसके लिए हम कबाब कांति बनाएंगे। उसके लिए हम कबाब को जो है छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखें फ्रेंड्स, हम इनको काट रहे हैं। छोटे छोटे पीसेस में इनको हमने काटा। ये फ्रीजर में रखे हुए थे, इसलिए ये काफी हार्ड है, तो लेकिन इनका टेस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये कालेबन में आपको ये, अगर आपको लेने हो तो आपको कालेबन आफरीदी रेस्टोरेंट जो है जामे मस्जिद कालेबन पख्तून मोहल्ला में है ये, तो वहां पे आपको मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ये है, मैंने खाए हुए हैं पहले भी, तो ये कबाब आप खा सकते हो, बहुत बढ़िया कबाब है। हम इसमें जो है तेल हमने डाला हुआ है, तो अब इस जो है तेल है ये अब गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम प्याज डालेंगे, थोड़ा सा प्याज, ज्यादा प्याज इसमें हम नहीं डालेंगे। बस इससे ज्यादा प्याज हम इसमें नहीं डालेंगे। तो जो ये बाकी प्याज है, इसमें हम नमक और जो है थोड़ा सा नमक इसमें हम मिक्स करेंगे दोस्तों। ये इसमें हमने नमक मिक्स कर दिया है थोड़ा बहुत, तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक मिक्स करना, और थोड़ी सी इसमें जो है वो रेड चिली पाउडर हम मिक्स करते हैं, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखें दोस्तों, ये हमने इसमें रेड चिली पाउडर भी मिक्स कर दिया है। अब इसमें मिक्स करके इसको हम जो है मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, हम इसको मिक्स करते हैं। ये देखें दोस्तों, हमने इसको मिक्स किया और अब इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये देखें, हम इसको जो प्याज है इसको हमने डाला है, ये तब तक रहेगा जब तक ये थोड़ा ब्राउनिश कलर हो जाएगा। तकरीबन हो चुका है ये ब्राउनिश, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं जो है ये काफ़ी थोड़े ग्रे हो चुके हैं, तो अब है वो कबाब जो हमने कटा हुआ कबाब है उसकी पीसेस डालेंगे। तो ये देखें दोस्तों, हमने इसकी कबाब की पीसेस डाल दी हैं। तो ये देखें, ये अच्छे से हमने कबाब की पीसेस जो है वो डाल दी हैं। तो दोस्तों, अब थोड़ी देर इसको हम क्या करेंगे कि कबाब जो है उसको थोड़ा हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो ये जो है कबाब जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है टमाटर, जो आपको पता ही है कि मैं प्रेफर करता हूँ जो टमाटर वो हाथ से, जो चाकू से कटे हुए टमाटर मैं प्रेफर करता हूँ, तो मैंने ये चाकू से ही काटे हैं। तो ये मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, और उसके बाद ये जो है दोस्तों मैंने शिमला मिर्च इसमें डाल दी, छोटी छोटी पीसेस करके शिमला मिर्च के। ये देखें दोस्तों आप, ये तो ये शिमला मिर्च और ये कबाब में टमाटर और शिमला मिर्च डाल दिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करता हूँ। ये देखें दोस्तों आप, ये देखें आप, ये
ये अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक जो है वो डालेंगे। तो ऑलरेडी कबाब जो है उसमें नमक होगा इसमें, तो हम इसमें नमक थोड़ा कम ही डालेंगे ताकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये देखा फ्रेंड्स, हमने इसको नमक डाल दिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो अब हम इसमें रेड चिली पाउडर जो है वो भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने जो प्याज है वो मैरिनेट कर रखा हुआ है। ये देखें आप, इसमें नमक और रेड चिली पाउडर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो उस वो भी इसी में मिक्स होगा। तो अभी हम इसमें थोड़ा कम रेड चिली पाउडर डालेंगे। तो ये देखें दोस्तों ये, और अब हम इसमें टर्मरिक पाउडर या आप इसको हल्दी पाउडर कहते हैं तो वो भी डाल दें थोड़ा सा। तो दोस्तों अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इंशाल्लाह अच्छी तैयारी चल रही है हमारी शबे बारात के लिए, लेकिन मैं आप दोस्तों को फिर से एक बार बता दूं कि चलो शबे बारात है तो अच्छे पकवान जो हैं वो खाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपको ये है कि ये बड़ा जो दिन है इस्लाम के मज़हब में, आप प्लीज़ अच्छे से रात में इबादत करना अल्लाह ताला की, और अपने गुनाहों की जो है वो उसकी माफ़ी जो है वो आज रात को आप करवा लेना। तो मेरे लिए भी दुआ और हमारे तमाम मुसलमान कौम के लिए आप सब लोग जो है वो दुआ करना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप जो है ये मेरी वीडियो जो है वो आपको अच्छी लग रही होगी, लेकिन अब जो है दोस्तों मेरी वीडियो जो है थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन क्या करें, ये आपको पूरा जो है वो पका के दिखाना है। तो दोस्तों ये देखें, ये अच्छे से जो है तैयार हो रहा है, लेकिन अभी इसमें प्याज डालना है तो वो थोड़ी देर बाद ही पड़ेगा। थोड़ा इसको गर्म, अच्छे से गर्म होने दो। जो है इसमें रेड चिली पाउडर है उसको अच्छे से पकने दो। दोस्तों हम इसमें जो है ये प्याज जो है हमने मैरिनेट किया हुआ है ये हम इसमें डालेंगे। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि प्याज जो है वो पहले ही जो डाल देते हैं, लेकिन ये हम कश्मीरी स्टाइल की कबाब कांति बना रहे हैं तो इसमें प्याज जो है वो आखिर में डालना होता है। थोड़ा सा प्याज आपने स्टार्ट में डाला मैंने, लेकिन ज़्यादा कबाब ये जो है प्याज वो हम अभी डालेंगे ताकि ये थोड़ा कच्चा रहना चाहिए। तो ये देखें दोस्तों, ये प्याज मैंने इसमें डाल दिया मैरिनेट जो मैंने किया था तकरीबन 20 मिनट पहले। तो ये देखें, ये कब इसमें प्याज सारा मैंने डाल दिया है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों जो हमारी कबाब कांति है ये देखें आप, पूरी अच्छे से कंप्लीट तरीके से जो है तैयार हो चुकी है। तो हम इसका टेस्ट भी करेंगे थोड़ा सा। तो बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है इसका दोस्तों। तो हमारी कबाब कांति जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम जो है ये हम सर्व जो है उसके लिए रेडी है, लेकिन इसको हम जो है रात को जब हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं उनको मैं जो है हमारे बुज़ुर्गों से सुना है कि और ख़ुद का भी एक्सपीरियंस है कि भूख लगती है ज़्यादा, तो उनको पकवान भी अच्छे होने चाहिए, उनको खाने में कुछ अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए ये जो है मैंने बनाया है। तो ये इंशाल्लाह हम घर में जितने भी हैं सभी जो है रात को अल्लाह की इबादत भी करेंगे और ये भी खाएंगे। आप इंशाल्लाह होप कि आप लोगों ने भी अच्छे अच्छे पकवान जो हैं वो आज रात बनाए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप मेरा जो YouTube चैनल है AB12, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दें, और जो है बेल आइकन का जो है बटन उसको भी प्लीज़ प्रेस कर दें ताकि आपको जो मेरी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।